हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्वेन ब्रदर्स व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छा हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, घर में मेरे लगा हुआ है काम, और ये हैं हमारे मिस्त्री, और ये हैं उनके सर, और ये हैं उनके बड़े सर, यानी सर सरासर सर मिला के तीन सर, और ये चौथे भैया जो हैं ये इनके हेल्प करते हैं, ये इनके साथ हेल्पिंग में हैं। और ये तुम्हारा भाई, और सुबह का व्यू काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रही है और मॉर्निंग में, और जैसा कि रात में आप मैं वीडियो बना रहा था तो कुत्तों ने मुझे खदेड़ लिया था, तो मॉर्निंग में भी मैंने नाश्ता नहीं किया, और बिना नाश्ता करे मैं जाऊंगा सुपर से कुत्ता चढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद वापस अपने घर आऊंगा। और फ्रेंड्स, मेरे जो कबूतरों का घर है ना, वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा हो गया है और टूट गया है, कबूतर मेरे सारे भाग गए हैं, क्योंकि मिस्त्री लोग जब मॉर्निंग में आते हैं तो डर की वजह से भाग जाते हैं, है ना मिस्त्री? बोलो। हाँ, डर से भाग जाते हैं। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, ना बोल पाओगे ये वाला नहीं, ये बड़ा है क्या? नहीं, अब जितना है उतना हम बोलते हैं। हाँ, तुम बोल दो, कह दो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं बोलो, शर्मा का चड्डा पहन के हीरो बने हो, बोल दो उनका यार, उनका काम हो गया यार, लाइक करो, बोलो ये देखो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चड्डा पहन के काम करो, ठीक है? बढ़िया, मजा आई, पैसा वसूल हुआ? वसूल हुआ पैसा, मजा आई? मजा, बहुत मजा आई वीडियो देख के, बहुत। तो बोल दो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखा मिस्त्री, बोल जाओ तुम चड्डा पहन के शर्मा रहे हो यार, और जो हमारे बड़े मिस्त्री वो भी कह रहे हैं हाँ बच्चे के चैनल को लाइक करो। तो समझदार आदमी के लिए इशारा काफी, और कबूतर हमारे सारे वापस लौट के आ गए हैं, जो कि भाग गए थे, भाग क्या गए थे, इन्होंने उड़ाया था तो उड़ गए थे, वापस आ गए, क्योंकि जो घर में छत में काम चल रहा है इस वजह से कबूतर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उनके लिए भी हम लोग कुछ करते हैं। तो अभी फिलहाल हम निकलते हैं सुपर के लिए, वहाँ कुत्ता चढ़ाएंगे, क्योंकि कुत्ते ने रात में काट लिया, फिर मिलते हैं आपको हम आगे रास्ते में। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कल रात में वीडियो बना रहा था और मुझे कुत्तों ने खदेड़ लिया और मेरे कुत्तों ने काट लिया, तो मैं अभी मॉर्निंग में हो गया हूँ रेडी। रेडी होने के बाद तुम्हारा भाई जाएगा कुत्ता चढ़ाने सुपर, और आज मंगल वो झाड़ते हैं, अगर नहीं भी झाड़ेंगे तो वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो हम उनसे कह देंगे आप झाड़ दीजिए, क्योंकि हम रोज़ नहीं आ पाएंगे। आज हमारा कुत्ता जो है उसको हमने मारा नहीं, क्योंकि जानवर है उसको क्या मालूम बेजुबान है, तो मैंने उसको कुछ नहीं किया और नहीं मारा, और मैं जाऊँगा सुपा, वहाँ से कुत्ता झाड़ा के फिर वापस आऊँगा। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं सुपा, और हमारे सकलैन भाई जो है उनके पास है कड़कनाथ की मुर्गे और मुर्गियाँ, तो हमारे पास एक मुर्गी थी जो कि घर रिपेयर होने की वजह से, घर बनने की वजह से ये मुर्गी हम उनको वापस देने जा रहे हैं, और जब हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा तो ये मुर्गी हम उनसे वापस ले लेंगे, और अभी तो फ़िलहाल हम उनको देने ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में इस टाइम जगह नहीं है रखने की, हमारा जो पिंजरा था वो हमने हटा दिया उसकी जगह से, तो अभी फ़िलहाल जगह चेंज करेंगे हम लोग, और जगह चेंज करने के बाद फिर नई मुर्गी और नए बच्चे लाएंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कोठी जो है इसमें भोजपुरी। अब फ्रेंड, अभी हम लोग उतर चुके हैं रोड पे और अब हम निकल चुके हैं सुपा की तरफ, और सुपा हमारे यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर है, तो वहाँ पहुँच के फिर हम अपना कुत्ता चढ़वाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं पहुँच के सुपा। तो फ्रेंड, अभी तक ये मुर्गी हमारे घर में थी, अब हमारे अंकल के घर जा रही है, तो ये सोच रही है कि अभी तक तो मैं ज़मीन में रहती थी, आज मैं हवा में उड़ रही हूँ, आखिर माजरा क्या है कि मुझे टांग के ले जा रहे हैं, तो इसको ये नहीं पता कि आज इसका घर शिफ्ट हो रहा है, एक नई जगह जा रही है ये, तो अभी थोड़ी देर ये चिल्ला रही थी लेकिन अब खामोश है, इसको पता नहीं है कि हमारा घर बदल रहा है, ये भारत बदल रहा है। फ्रेंड्स, इस मुर्गी के अंडे की खासियत ये है कि नॉर्मल अंडा 7 रुपये का बिकता है, और इस मुर्गी का अंडा 30 रुपये का बिकता है, तो हमारे सकलैन भाई जो है ना इसके बारे में काफ़ी अच्छे नॉलेज रखते हैं, तो अभी हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो फ्रेंड्स, मौसम काफ़ी प्यारा है और अभी हमको 3 किलोमीटर और आगे जाना है, तो मौसम काफ़ी प्यारा है और 3 किलोमीटर आगे हमको जाना है, और काफ़ी बोलेरो वाले आगे निकल गए ना, ये गवर्नमेंट का लोगो लगा है उत्तर प्रदेश सरकार, और हारा मजा बजा के आगे निकल गए, इनको पता नहीं कि हमारे सम्मान की इन्होंने ठेस पहुँचाया, अरे हम भी तो हिंदुस्तान के नागरिक, हमारा भी आगे चलने का, हम धीरे चले तेज, अब तुम तेज चलोगे तो क्या पीछे वाले को हारा मजा के साइड कर दोगे, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या बोलते हैं चचा, ऐसा करना चाहिए। और मैं इसी गांव का हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा गांव है। फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका आज घर चेंज हो जाएगा, तो इसका घर चेंज हो गया है, अब ये शहर से आ गई गांव में, अब ये रहेगी हमारे अंकल के यहाँ,
और अभी ये नई है यहाँ पे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरे अंकल का बेटा है सकलेन, ये वो शख्स जो कि काफ़ी नॉलेज रखता है इसके बारे में। और इसने शर्ट जो पहनी है उसकी तो बात ही मत कीजिए आप, अलग ऊंचे लेवल की शर्ट है ये। और जो समझने वाले वो समझ जाएंगे इसमें किसकी लीव्स पत्तियाँ बनी हुई हैं। और ये हमारा भाई है, काफ़ी अच्छा है और समझदार है माशाल्लाह। तो आप लोग इसके लिए दुआ कीजिए कि और तरक्की करें। और ये हमारे सारे फ्रेंड्स हैं जो कि इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स ये मेरे अंकल के जो बेटे ने पाले हुए थे 20 थे उसके पास, तो उसने सारे बचा लिए हैं। और उसके मुर्गे सारे काफ़ी मजबूत और टाइट हैं। एक मुर्गे की कीमत कम से कम 2000 रुपये है। अगर आप इसी तरीके कड़कनाथ का बिज़नेस करेंगे तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। और लोग इसको अभी जानते नहीं, बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये होते हैं। तो फ्रेंड्स कुत्ता चढ़ाने जब आप आएंगे तो आपको लेकर आना पड़ेगा। काका लगता है सीधा। हाँ और आटा। हाँ और पैसा। तो फ्रेंड्स जैसा कि अंकल ने बताया कि जब आप कुत्ता चढ़ाने आएंगे तो आपको आटा गुड़ सीधा क्या होता है आटा वो ही आटा। हाँ आटा चावल, तो आटा चावल दाल कुछ भी लेके आइए आप। उसके बाद आप यहाँ पे दीजिए, फिर आपका कुत्ता चढ़ जाएगा, उतर जाएगा। और ये है दरगाह, ये वो दरगाह है जहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो अभी मैं भी यहीं पे आया हूँ। सुपर महंगे कुत्ता चढ़ाने सबसे पहले आपको 3 चिल्लू पानी पीना है, 1, 2 और ये 3। 3 चिल्लू पानी पीने के बाद फिर आप खाएंगे गुड़। ये खाएंगे गुड़। गुड़ खाने के बाद आपको फिर से पानी पीना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा दरगाह के अंदर, वहां आप लगाएंगे मिट्टी। फिर से पानी पीने के बाद अब ये जो बोलेंगे वो बोलना पड़ेगा। 20 निर्बीस, निर्बीस बिस्माटी, 20 20 निर्बीस बिस्माटी, 20 निर्बीस बिस्माटी। अंदर जाए, जाओ पहले सीधा करो दवा नीचे डालो जूको, उसके बाद जूको डाल दो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने यहाँ अपना जो भी हमारा सिस्टम था वो हमने कर लिया, अब हम जाएंगे दरगाह के अंदर। दरगाह के अंदर जाने के बाद फिर हमको यहाँ की मिट्टी लगानी है। और ये दरगाह यहाँ की फेमस दरगाह जो कि काफ़ी दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ पे हम बैठेंगे और यहाँ से लगाएंगे मिट्टी जहाँ पे कुत्ते ने काटा है। मिट्टी लगाने के बाद फिर हम थोड़ी देर यहाँ फ्रेंड्स अभी हम कुत्ता चढ़वा चुके हैं और हम दरगाह से निकल चुके बाहर। अब जाएंगे हम एक दुकान में, अगर वहाँ पे स्कैनर होगा तो 50 रुपये स्कैन करके अंकल जी 50 रुपये देंगे, क्योंकि सुबह से वो मेहनत करते हैं तो उनका भी कुछ बनता है, फट जाए हट जाए जो भी है। तो फिलहाल अभी हम उनको स्कैन कराएंगे 50 रुपये। हम ये है डिजिटल इंडिया, यहाँ पर हमने स्कैन किया और हमको मिल गया 50 रुपये। और अब हम अंकल जिन्होंने कुत्ता झाड़ा है उनको हम देंगे 50 रुपये, क्योंकि यह हिंदुस्तान है मेरी जान, यहाँ कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो हम पर्स भूल आए थे घर में और पैसे हमारे पास थे नहीं, तो चचा जो है ना वो थोड़ा गुर्रा के बात कर रहे थे, उनका नेचर ऐसे ही है। तो फिलहाल हमने कहा इनको पैसा देना चाहिए, तो हम आए एक दुकान में, वहाँ पर हमने स्कैन किया और 50 रुपये। और इसको कहते हैं बचपन, बचपन में हमने भी मिट्टी में खूब खेला है। और ये बच्चे अभी अपने बचपन का लुत्फ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और इनको भी कुछ पता नहीं है, तो ये हमको भी मिट्टी दे रहा है। ये क्या बात है, ये कह रहा है मेरे साथ आप भी पार्टिसिपेट कीजिए मिट्टी में बैठ के। तो फिलहाल इसको कहते हैं लड़कपन बचपना, इनको अभी सिर्फ खेलना और खाना मालूम है और कुछ नहीं मालूम। हमने भी जब इसी उम्र के थे तो हमने भी मिट्टी में खूब खेला है। और ये बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं गांव के। और अभी हम अंकल को देंगे 50 रुपये और उसके बाद निकलेंगे हम यहाँ से। इस दुकान में हमने पूछा तो यहाँ स्कैनर नहीं था,
तो हम गए अगली दुकान में, वहाँ पर स्कैनर मिला, हमने 50 रुपये स्कैन किए और अब हम वापस दरगाह की तरफ आ चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे। फ्रेंड्स अपना काम हो गया है और ये अंकल लोग बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स बारिश की वजह से हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं, तो फ्रेंड्स बारिश की वजह से हम तो फ्रेंड्स बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है और बारिश की वजह से हम लोग यहाँ रुक गए हैं। तो अब यहाँ पर जब हम रुके हैं तो यहाँ पर मिल रहा है समोसा गरम गरम, तो हम लोगों ने कहा ना हो तो एक एक समोसा खा लिया जाए, तो हम लोगों ने अभी चेक किया समोसा का, समोसा टेस्टी होगा तो दोबारा लेंगे वरना दो में ही काम चला लेंगे। और ये लोग काफ़ी इंजॉय ले रहे हैं बारिश का, और बारिश का बारिश जब हो और गर्म गर्म आपको समोसा और जलेबी मिल जाए तो उसका टेस्टी कुछ और होता है। तो अभी हमको फिलहाल समोसा मिला, थोड़ी देर बाद हम लेंगे जलेबी। तो फ्रेंड्स इमरान हाशमी ने एक जन्नत मूवी में एक डायलॉग दिया था कि हर हंसता मुस्कुराता इंसान कुछ नसीब नहीं होता और हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन ये समोसा काफ़ी टेस्टी है। तो आप दुकान पे ना जाइए, दुकान कहाँ है, कैसी है, क्या है वो मैटर नहीं करता, दुकान में मिल क्या रहा है वो मैटर करता है। तो समोसा काफ़ी टेस्टी है तो मज़ा आ गया। तो ये अपनी धन्नू जो कि बारिश का मजा ले रही है, धन्नू अपनी भीग रही है बारिश में, और हम लोग यहाँ छिप गए हैं क्या, बस 3 नए कैंडिडेट आ गए हैं ये भी छिपने के लिए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। ये लोग भी यहीं खड़े हुए जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों को जब दूर जाना होता है और रास्ते में बारिश होने लगती है तो फिर लोग कहीं ना कहीं शरण लेते हैं, किसी छत के नीचे खड़े होते हैं जगह पे। मौसम प्यारा था, बारिश हो गई तो मौसम डबल हो गया और अच्छा हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग कुत्ता चढ़ा के वापस आ रहे थे, रास्ते में शुरू हो गई बारिश, तो बारिश की वजह से हम लोग 10 मिनट हो गए लेट, एक जगह पे खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे, समोसा खा रहे थे और इंतजार कर रहे थे बारिश बंद हो तो फिर हम अपने घर की तरफ निकले, गाड़ी नहीं करें, शॉर्ट्स वीडियो भी डालें और शॉर्ट वीडियो भी डालें। फ्रेंड्स अब हम लोग घर आ गए अपने, वापस ब्लॉग को यहीं से करते हैं एंड, हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बने रहिए अपने भाई के चैनल में, अगर चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बाय बाय।